हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा लेक्चरर की यानी कि फर्स्ट ग्रेड की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, और जो बच्चे तैयारी पहले से ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो देखना है कि कितनी पोस्ट आपके सब्जेक्ट की आई हैं। ठीक है, तो हर चीज़ जो है वो क्लियर होगी। इसके साथ में जो आपका सिलेबस है वह भी इन लोगों ने साथ में ही डाल दिया है। तो इस बार देखिए, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी निकली तो वहाँ पर भी जो है आपके सिलेबस दे दिया गया। इसके साथ ही फर्स्ट ग्रेड की जो ये वैकेंसी है इसमें भी साथ में दे दिया गया है। तो जैसे ही वो फॉर्म भरते हैं आपको सिलेबस जो है उसकी जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाते हैं और पद जो है वो अस्थाई हैं, यानी कि आगे फ्यूचर में बढ़ाया भी जा सकता है। विभाग से प्राप्त कुल रिक्तों में वृद्धि या कमी की जा सकती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन सी जो सब्जेक्ट हैं उसकी कितनी वैकेंसी हैं। सबसे पहले बायोलॉजी की हैं, 162 वैकेंसी हैं। उसके बाद कॉमर्स की देखिए, टोटल वैकेंसी 130 हैं। म्यूज़िक की 12 हैं, ड्राइंग की 70 हैं, एग्रीकल्चर की 280 हैं। और देखिए सबसे अधिक देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है इसीलिए वैकेंसी जो है वो बहुत है। ज्योग्राफी की 793 हैं, वहीं हिस्ट्री की है 807। ठीक है, सब्जेक्ट अलग अलग हो चुका है तो वैकेंसी काफ़ी है। हिंदी की देखिए, हिंदी की आपको 1462 वैकेंसी आई हैं। पॉलिटिकल साइंस की 1196 आए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप एसएसटी की तैयारी करते हैं जो भी बच्चे, तो वो अपने सब्जेक्ट की, जिन्होंने भी एमए किया हुआ है ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से, तो उनकी वैकेंसी जो है वो काफ़ी संख्या में है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इंग्लिश में 342 हैं, संस्कृत की 194 हैं, केमिस्ट्री की 122 हैं, होम साइंस की 22 हैं, फिजिक्स की देखिए 82 हैं, मैथ्स की हैं 68, इकोनॉमिक्स की हैं 62, सोशोलॉजी की हैं 13, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हैं 9, पंजाबी की हैं 15, उर्दू की हैं 40। और इसके बाद जो हैं एक एक वैकेंसी जो हैं कोच की है, रेसलिंग की, खो खो की, हॉकी और जिमनास्टिक। ठीक है, तो एक एक वैकेंसी है, और फुटबॉल की है 3। इसके साथ ही फिजिकल एजुकेशन वालों की जो वैकेंसी है वह है 112। उसके बाद अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं देखिए, तो यहाँ पर जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ जो है बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में आपकी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी बीएड की डिग्री जो है वो मांगी गई है। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट का देख लें, जिस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप, और जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसके साथ जो है डिग्री या डिप्लोमा है आपका, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरीके से सब्जेक्ट हैं सभी, आप बहुत अच्छे से इसको देख लें। और इम्पोर्टेंट लाइन ये भी है कि यदि आप अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन शर्त वही जो हर एग्जाम में होती है कि उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के पहले ही। ठीक है, यानी कि जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, आपके हाथ में प्रतियोगी परीक्षा की जो है मार्कशीट आ जाती है, उससे पहले जो है आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। वेतन जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है इसका। आयु सीमा देख लीजिए कि 21 वर्ष से लेकर जो है 40 वर्ष आपकी मांगी गई है इसमें, तो आप एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भरें। और छूट जो है, जो कि हर उसमें दी जाती है आपके फॉर्म में, तो यहाँ पर भी 5 वर्ष की छूट राजस्थान राज्य के या SC ST, ठीक है, और बैकवर्ड क्लासेस के जो हैं, EWS के जो हैं, उन्हें 5 साल की छूट। इसके साथ ही राजस्थान की जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला हैं, इन्हें 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं जो, उनको 5 वर्ष की छूट है। विधवा महिलाएं हैं जो, तो इनकी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, तो ये जो है वो फॉर्म भर सकती हैं कितनी भी उम्र की हों। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि चयन प्रक्रिया जो है वो आपकी कैसे होगी। तो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा चयन, और आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग,
मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ठीक है, परीक्षा का स्थान और महा जो है यथा समय सूचित किया जाएगा, यानी कि इसमें आपको कम से कम 6-7 माह का जो है वो टाइम मिलता है एग्जाम में। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, तो यहाँ नियम 22 जो है उसमें हम देखेंगे अभी पाठ्यक्रम। आवेदन अवधि देखिए कब से स्टार्ट है, फॉर्म 5 मई से स्टार्ट है और 4 जून तक। ठीक है, तो रात 12 बजे से पहले पहले आप कर दें, और मेरा तो कहना है कि जैसे ही 5 मई आता है उसके आप 10 दिन के अंदर जो है वो फॉर्म भर दें। और इसके लिए जो है आपको ये जो वेबसाइट है इस पर आप जाकर अच्छे से जो है एक एक लाइन जो है वो पढ़ें। कोई भी फॉर्म भरते हैं उससे पहले आप हर चीज़ को जानें फिर फॉर्म भरें। ठीक है, तो वही उसी तरीके से जिस तरीके से आपने सेकेंड ग्रेड का फॉर्म भरा है, तो सारी की सारी प्रक्रिया वही है। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए स्कीम और सिलेबस जो है वो क्या रहता है स्कूल लेक्चरर का। तो यहाँ पर 450 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा और दूसरा जो है वो 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, 150 मार्क्स का जो होगा वो सभी का समान ही रहता है, और जो 300 मार्क्स का होगा ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित होगा। ठीक है, और उसी तरीके से जिस तरीके से सेकंड ग्रेड में है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। और देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लाइन जो कि सेकंड ग्रेड में ही है उसी के समान है कि हर पेपर जो है यानी दोनों जो पेपर हैं उसमें आपके 40% मार्क्स जो है वो आने ही चाहिए। यानी पहले क्या होता था कि बच्चे जो हैं फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते थे तो सेकेंड ग्रेड में अच्छा स्कोर कर लेते थे और उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब जो है वो टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि यहाँ पर भी आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाने हैं और सेकंड पेपर में भी आपको 40% लाने हैं। इसी तरीके से सेकंड ग्रेड का जो फॉर्म आपने भरा है उसमें भी यही प्रोसेस है। ठीक है, वहाँ पर भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे, यानी दोनों पेपर में आपको मेहनत करनी है, कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते हो। क्योंकि बच्चे 100% जब तैयारी करके जाते हैं तो 80% जो है वो एग्ज़ाम में कर पाते हैं। तो पेपर वन जो कि जनरल स्टडीज का है, जिसमें टाइम आपके 1.5 घंटे का है, यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा? तो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश का, करंट अफेयर आएगा, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। ठीक है, अब ये देखिए फोर्थ नंबर पर और ये देखिए फर्स्ट नंबर पर, यानी कि हिस्ट्री और आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी, वो भी किसकी? राजस्थान की। तो ये राजस्थान का जीके आ गया। हम लोग राजस्थान की जीके की ही अभी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल नई बुक से, जो कि एनसीईआरटी के साथ में अभी चल रही है। ठीक है, बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ ले रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि राजस्थान का जीके मैंने आपको बताया हर एग्ज़ाम में है, चाहे आप सेकेंड ग्रेड का कर रहे हैं, रीट का कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड का कर रहे हैं, यही समान रहेगा, बिल्कुल सेम, इससे तो आप नहीं बच पाओगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं। ठीक है, और प्रयोगशाला सहायक में, कंप्यूटर अनुदेशक में, वहाँ पर भी राजस्थान का जीके आपका ऐड हो चुका है। और सबसे ज़्यादा राजस्थान का जीके जो है वही आपके एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आता भी है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वहाँ पर भी आपके राजस्थान का जीके ज़्यादा पूछा जाने वाला है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल स्कैनरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये तो आपका फर्स्ट पेपर है, जनरल स्टडीज सभी के लिए कंपलसरी है। सेकंड पेपर जो है वो सभी के अपने अपने सब्जेक्ट का होता है, यानी यदि आप जो हैं किससे, बायो से यदि आप फॉर्म भर रहे हैं, बायोलॉजी से, तो आप जो हैं 12th की भी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन की भी पढ़ेंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक भी पढ़ेंगे। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया है कि यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो आप 10th तक की बुक जो है वो पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़ लो, यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़नी होगी। ठीक है, और ये है ऑथेंटिक बुक ही पढ़िए। उसके बाद फोर्थ नंबर पर देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी है सेकेंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड का जो आपका एग्जाम होगा उसमें भी एजुकेशन साइकोलॉजी है, इससे आप नहीं बच पाओगे। पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। उसके बाद देखिए जो कोच की जो भर्ती है, यानी कि एक एक जो पोस्ट आई है स्पोर्ट्स में,
तो यहाँ पर भी ये चीज़ें तो सभी समान है, 40% मार्क्स जो हैं वो लाने होंगे, दो पेपर होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट क्या आ जाता है कि फर्स्ट जो है राजस्थान की जो हिस्ट्री है और सेकंड पर आपकी मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, करंट अफेयर है, और फोर्थ पे जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। यहाँ पर भी देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी राजस्थान की ही है। सेकंड जो पेपर है स्पोर्ट्स के बच्चों का, तो यहाँ पर देखिए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, स्पोर्ट्स साइंस, जनरल थ्योरी एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स एंड इट्स करंट अफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करंट अफेयर केवल स्पोर्ट्स से संबंधित ही आपका पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये सिलेबस जो है वो आप अच्छे से देख लीजिए। तो मेरा यही मानना है आप लोगों से कि जो बच्चे पहले से ही फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे तो वो फर्स्ट ग्रेड के साथ रीट की तैयारी कर लें, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी जो है वो नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है सिलेबस आप खुद ही देख लें, ठीक है, क्योंकि 100% जो है वो आपको हर एग्जाम में देना होता है, इतना आसान नहीं होता है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, जैसे सेकंड ग्रेड का सिलेबस काफ़ी है, इसी तरीके से फर्स्ट ग्रेड का भी बहुत है। तो मैंने ये चीज़ पहले भी बता दी थी जब बच्चे ये पूछ रहे थे कि हम तैयारी सेकंड ग्रेड की करें या फर्स्ट ग्रेड की, ठीक है। हमने कोर्स स्टार्ट किया था, नवंबर से स्टार्ट किया था, तभी हमने धीरे धीरे से जो है वो पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें पता था कि जो थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें सिलेबस जो है वो किस तरीके का आएगा। तो उसी वक्त रीट के एग्ज़ाम के लिए भी मैं तभी से बोलती आ रही हूँ कि जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे रीट की तैयारी, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। और सेकंड ग्रेड की तैयारी के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना संभव नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है सिलेबस आप खुद ही देख लीजिए। सिलेबस जो है वो बिल्कुल अलग ही होता है फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का, ठीक है। 20% आपका जो है वो मैच होगा राजस्थान के जीके की वजह से, राजस्थान का जीके यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो आपको वहाँ पर भी पढ़ना है, यहाँ पर भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि करंट अफेयर जो है यहाँ पर आपका सारा आएगा, राजस्थान का, इंडिया का, वर्ल्ड का, ठीक है। मैथ रीजनिंग आपकी आएगी जो कि सेकेंड ग्रेड में नहीं है, हिंदी इंग्लिश आपकी यहाँ पर आ रही है लैंग्वेज और वो वहाँ पर नहीं है। इसी तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको फर्स्ट ग्रेड में तैयारी करने को मिलती हैं। तो इसीलिए जो बच्चे सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं वो रीट की भी करें, क्योंकि आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं तो वो भी रीट की करिए, लेकिन सेकंड ग्रेड के साथ साथ फर्स्ट ग्रेड को मत जोड़िएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा था काम आपको बताना, बाकी जो है आप खुद समझदार हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।